गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा कस्टर्ड खाने का किसे मन नहीं करता। आज मैं एक ऐसी ही सिंपल और फटाफट से बन जाने वाली डेजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, मैंगो सेवैया कस्टर्ड। चलिए देखते हैं। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है। मैंने बादाम, काजू और पम्पकिन सीड्स चॉप करके डाल दिए हैं। आप पिस्ता के भी स्लाइसेस करके डाल सकते हैं, या आपके पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो आप डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स थोड़े से रोस्ट हो जाने के बाद आप उसमें दूध डाल दीजिए। हमें इस रेसिपी के लिए दूध को बहुत नहीं हटाना है, सिर्फ 2-3 बार उबाल आ जाने देना है दूध में, क्योंकि सेवैया से भी दूध थिकन होता है और जो हम कस्टर्ड डालते हैं उससे भी दूध एकदम गाढ़ा हो जाएगा। मैंने एक दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले लिया है और उसमें मैं थोड़ी सी सेवैया भून लूंगी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाते तक। मार्केट में आजकल ऑलरेडी रोस्टेड सेवैया भी मिलती है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। सेवैया रोस्ट करते वक्त कंटिन्यूअसली हलाते रहिए, नहीं तो जल जाती है सेवैया। अब देखिए कैसा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, अच्छे से रोस्ट हो चुकी है सेवैया। अब हमें उसे उबलते हुए दूध में डाल देना है। हमें अभी सेवैया को अच्छे से दूध में पका लेना है। बहुत जल्दी से पक जाती है सेवैया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप उसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, मैं मिश्री ऐड कर रही हूँ। मिश्री थोड़ा हेल्दियर ऑप्शन है शक्कर के कंपैरेटिव। आप डेट सिरप भी यूज कर सकते हैं या कोई भी हेल्दियर शुगर अल्टरनेटिव आप यूज कर लीजिए। अब एक बोल में मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, ये वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है मैंने, आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें धीरे धीरे दूध डाल देना है हमें और उसकी स्लरी बना लेनी है, लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। एक बार अच्छे से उसका पेस्ट बन गया तो आप थोड़ा और दूध डाल के उसको डाइल्यूट कर लीजिए। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो ये सेम प्रोसेस आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के साथ कर सकते हैं, उसकी स्लरी बना के आप दूध में डाल दीजिए। और वैनिला फ्लेवर के लिए थोड़ा सा वैनिला इसेंस के ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं। अब धीरे धीरे हमें ये कस्टर्ड की स्लरी को दूध में डाल देना है और डालते वक्त कंटिन्यूअसली हलाते रहना है उसे, ताकि कोई लम्स ना बने। 2-3 ही मिनट में दूध एकदम गाढ़ा हो जाएगा। हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है दूध को, क्योंकि जब हम ये डेजर्ट के लिए इसे ठंडा करेंगे तो वो और ज्यादा थिकन होगा। अब मैं उसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दूंगी, आपके पास केसर हो तो आप केसर भी उसमें डाल सकते हैं। और अब ये अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, बहुत थिक मैं नहीं कर रही हूँ, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है हमें। कोई भी फ्रूट पल्प जब आप दूध में डालते हैं तो दूध टोटली ठंडा हो जाना चाहिए। आप ऐसी ही ये डेजर्ट सर्व कर सकते हैं, या आप इसमें मैंगो का पल्प भी डाल सकते हैं, क्योंकि समर सीजन शुरू है, मैं मैंगो के पल्प के साथ ये बना रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है। अब दूध पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, अब मैंने मैंगो पल्प निकाल लिया है और उसे मिक्सी में अच्छे से उसका प्यूरे बना लिया, वो मैं अब इसमें डालूंगी। अब ये सबको अच्छे से मिला लेना है और हमारा मैंगो सेवैया कस्टर्ड रेडी है। अब आप इसे आपके हिसाब से गार्निश कर सकते हैं, मैं किस तरीके से मैंने किया है वो दिखा रही हूँ। मेरे पास कुछ सब्जा सीड्स है, सब्जा सीड्स की तासीर ठंडी होती है, गर्मी के दिनों में इसे खाना अच्छा होता है, इसलिए मैं यूज कर रही हूँ, ऑप्शनल है। सब्जा सीड्स ऐसी ब्लैक कलर की होती है जैसे कि मैंने दिखाया है।
इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए आप सोक करके रख देंगे तो ऐसे फूल से जाते हैं, वो मैं पहले डाल रही हूँ। आपके पास रोज सिरप या रू अफजा वगैरह होगा वो भी आप डाल सकते हैं, एकदम वाइब्रेंट कलर दिखता है इसका। मेरे पास पोमोग्रेनेट और एप्पल था इसलिए मैंने वो डाला है। आप स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ग्रेप्स, आपके चॉइस के फ्रूट्स डाल सकते हैं, इसे और वाइब्रेंट और कलरफुल बना सकते हैं। कलरफुल फ्रूट्स सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। अब मैंने फिर से सेवैया कस्टर्ड की एक लेयर डाल दी और उसके ऊपर आप आपके पसंदीदा फ्रूट्स डाल दीजिए। अब मैंने फिर से उसे सब्जा सीड्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स के साथ गार्निश कर दिया है। आपके पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स के स्लाइसेस आप डाल सकते हैं। इसे और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आप आइसक्रीम स्कूप भी इस पे डाल सकते हैं और उसको भी आप लिक्विड चॉकलेट और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। इट्स टोटली ऑप्शनल, मैंने सिंपल वे में दिखाया है। ये बहुत ही इजी सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाने वाली डेजर्ट रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए और इसे चिल्ड ही एंजॉय कीजिए, ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर हैंगिंग आउट विथ मी। Have a nice day.